अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए मेजर मुस्तफ़ा बोहरा की पार्थिव देह आज सुबह उदयपुर पहुंची। डबोक हवाई अड्डे पर सैन्य प्रोटोकॉल के साथ पार्थिव देह खिंजीपीर स्थित कब्रिस्तान के लिए रवाना की गई। एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सांसद सीपी जोशी, विधायक प्रीति शक्तावत सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। स्थानीय लोगों ने मेजर मुस्तफ़ा बोहरा अमर रहे के नारे लगाए। उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान चार जवान शहीद हुए थे, उनमें से मेजर मुस्तफ़ा भी शामिल थे। मेजर मुस्तफ़ा का देश के लिए बलिदान हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पत्तों में दर्ज होगा। परिवारजनों को एक स्वाभाविक दुख होता है क्योंकि उनके हृदय का टुकड़ा था, लेकिन इसके साथ उनको इस बात का भी सौभाग्य प्रभु ने दिया कि आपका ये बच्चा, अब ये केवल आपका बच्चा नहीं, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता का बच्चा बन गया। मेजर मुस्तफ़ा जो थे वो काफ़ी काबिल बहादुर कर्तव्यनिष्ठ अफसर थे, एक बहुत ही बेहतरीन पायलट थे जिन्होंने अपने काम में कभी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी, अपनी पूरी मेहनत और जी जान से काम कर रहे।